नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी मैंने अपने चैनल पे इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे और आप लोगों से फीडबैक लिया था कि टेंडर के अलावा और भी विषयों की जानकारी है मुझे, आप वोट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा पे सिर्फ 9% वोटिंग आई है, टोटल वोट है 57। दूसरा मैंने टॉपिक दिया था शेयर बाजार से कमाई कैसे कर सकते हैं, उस पर 19% लोगों ने कहा है हाँ। ऑनलाइन कमाई कैसे की जा सकती है उसके लिए 16%। और सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है सिर्फ टेंडर की, तो टेंडर की ही वीडियो बनाई जाए, हम टेंडर की वीडियो बनाएंगे, 56% लोगों ने लिखा है। तो इस चैनल पे फिलहाल जब तक ये 56% है और दूसरे का नहीं बढ़ जाता, तो इस चैनल पे हम सिर्फ टेंडर से रिलेटेड वीडियो ही डालेंगे। और जिन लोगों ने बाकी टॉपिक के लिए वोट किया है उसके लिए मैं बता दूं कि अब मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया कंप्यूटर एजुकेशन के लिए भी और शेयर मार्केट के नाम से भी, तो उसका लिंक डाल दूंगा कभी पोस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के कंटेंट पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CPWD में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एज ए ठेकेदार, तो CPWD में ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता को कैसे चेक करें। अभी CPWD ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि आप वेबसाइट पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप किस क्लास के योग्य हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि CPWD में क्लास 1 से लेकर के 5 तक की कैटेगरी होती है, क्लास होते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक। और 1 में भी 3 कैटेगरी हो जाती है, एक तो 1 सिंपल हो जाती है और 1A 1AA भी होती है। तो चलते हैं हम CPWD की वेबसाइट पे, आपको टाइप करना पड़ेगा cpwd.gov.in, ये मैंने टाइप कर रखा है, मैं एंटर प्रेस करूँगा और सामने पेज आता है। मैंने इसको जूम कर रखा है ताकि जो दोस्त मोबाइल पर देख रहे हैं वो भी सही से देख ले। तो ये मेन्यू है, होम है, अबाउट अस है, ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। अब ये खुल करके आएगी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का ही मेन्यू आएगा और कॉन्ट्रैक्टर मेन्यू पे आने के बाद में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे। और क्लास डिसाइड करने से पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है, तो आजकल CPWD में 3 ही कैटेगरी रह गई है, पहले ज़्यादा होते थे, अब 3 है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्ट कैटेगरी है और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके अंतर्गत रोड बनाने का, पुल निर्माण के काम आते हैं। और तीसरा जो पहले हॉर्टिकल्चर हुआ करता था, तो वो हॉर्टिकल्चर है अभी, ये आ गया कॉन्ट्रैक्टर वाला। होम, अबाउट अस, सिटीजन करके आप कॉन्ट्रैक्टर पे सीधे चले जाइए और कॉन्ट्रैक्टर इनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मैंने रजिस्ट्रेशन बोल दिया था। मैं एक बार फिर से इसको जूम आउट कर देता हूँ, हो गया। तो हम आ गए ये कॉन्ट्रैक्टर पे, कॉन्ट्रैक्टर्स इनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे, बड़े बड़े मेन्यू है इस पे, थोड़ा छोटा पहले कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसी पेज आपको आएगी जब आप डेस्कटॉप पे खोलेंगे इसको, तो चेक एलिजिबिलिटी फॉर इनलिस्टमेंट, चेक इनलिस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन, ये 3 है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में यही कहेगा कि आप लॉगिन कीजिए या अगर नहीं है तो अकाउंट बनाइए, वो हम बताएंगे दूसरे वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हम कैसे करें ऑनलाइन। अभी इस वीडियो में सिर्फ इनलिस्टमेंट की जो डॉक्यूमेंट है वो बताएंगे और ये बताएंगे कि अपनी एलिजिबिलिटी आपकी किस क्लास में है वो कैसे चेक करोगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग में है इतने क्लास हैं, 1 सुपर 1AAA 1AA, उसके बाद है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, बार बार मैं कैटेगरी बोल जाती हूँ, क्लास है तो इतने क्लास है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उतने ही क्लास है, 5th नहीं है, 4th तक ही है, 1 सुपर है, 1AAA है, 1AA है, 1A है, 1, 2, 3, 4 तक है।
और हॉर्टिकल्चर में सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही क्लासेज है। तो ये क्लास है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी अपनी चेक करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। कौन कौन से, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक कर दिया मैंने और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। हाँ, पहला जो आपका होना चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपका जो फर्म है वो किस टाइप का है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर सोल इसका प्रूफ होना चाहिए फॉर्मेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है आपका तो एक एफिडेविट चाहिए होती है जो मजिस्ट्रेट उसको नोटराइज कर देंगे, मजिस्ट्रेट उस पर साइन कर देंगे। मतलब कि आपका एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने बना हुआ होना चाहिए। नॉर्मली हम एफिडेविट बना लेते हैं, नोटरी पब्लिक से साइन करवा लेते हैं, उनके सामने में बनाते हैं मतलब कि, लेकिन इस बार इस केस में मजिस्ट्रेट के सामने ये आपको बनाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। एफिडेविट पर डिक्लेरेशन दी जाती है कि मैं इस कंपनी का सोल प्रोप्राइटर हूँ, मेरा नाम ये है, फर्म का नाम है, कंपनी नहीं फर्म, फर्म का नाम ये है और मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, हमारी फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ऐसी डिक्लेरेशन देकर के एफिडेविट पे, और एफिडेविट आप मजिस्ट्रेट साहब से साइन करवा करके ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये लग जाएगा। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप डीड। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा और पार्टनरशिप डेड लगेगी। लेकिन अगर आपका प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलता है ROC से वो मिलेगा, लगाना है आपको, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगानी पड़ेगी। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड रेजोल्यूशन, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी उनके लिए जो खुद से साइन नहीं, जैसे सोल प्रोप्राइटर है आप, तो आपके बिहाफ पे जो अप्लाई कर रहा है उसके केस में उसको नाम को लेकर के आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना देंगे कि ये भाई साहब डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं हमारे फर्म के बिहाफ पे। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी, LLP में भी और प्राइवेट लिमिटेड में भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बनानी पड़ेगी। उनके नाम जो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिनका डिजिटल सिग्नेचर होगा अगर रिक्वायर हुआ तो, या फिर बोर्ड रेजुलेशन, कंपनी के केस में बोर्ड रेजुलेशन चल जाएगा कि बोर्ड ने एक रेजुलेशन पास किया है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं और ये साइन करेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनलिस्टमेंट ऑर्डर। अगर आपकी फर्म कहीं और CPWD को छोड़ करके कहीं PWD में है, MES में, रेलवे में, MCD में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, कहीं और भी ठेकेदारी आप कर रहे हैं, तो किसी स्टेट की PWD में अगर रजिस्टर्ड है तो आप उसकी कॉपी लगा दें, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसमें आपको लगानी पड़ेगी। अगर CPWD में ही पहले से रजिस्टर्ड है और रिन्यू कराना है तो उस केस में भी लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल नियर रिलेटिव्स वर्किंग इन CPWD। CPWD में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आपके जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार काम करते हैं उनका नाम लिख करके उनकी लिस्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद है लिस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ऑन गोइंग वर्क्स। आपने पहले से चाहे प्राइवेट हो या सरकारी काम जितने भी कर रखे हैं ठेकेदारी के रूप में, उसकी लिस्ट आपको जमा करनी पड़ेगी। और अभी फिलहाल जो काम चल रहे हैं, शुरू हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसकी भी लिस्ट देने पड़ेगी। और इनका इन्होंने एनेक्चर बना करके दे दिया है, Annexure 3A में कंप्लीटेड वर्क्स की लिस्ट देनी है डिटेल, और Annexure 3B में 3B में ऑन गोइंग वर्क। यहाँ दो फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट। मैं PDF फॉर्मेट डाउनलोड करता हूँ और ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है इसमें। ओपन कर लिया Annexure 3A, इसमें लिखा है डिटेल ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसको। डिटेल ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स, एलिजिबल वर्क्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 साल के अंदर में जितने भी काम किए हैं सब दे सकते हैं हम उसकी पूरी डिटेल। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मांगते हैं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता निर्धारित करने के लिए कम से कम एक वर्क तो दिखाना ही पड़ेगा, और 3 भी दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। इन्होंने 3 का फॉर्मेट दिया, 3 ही मांगते हैं ये,
आप उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, काम का क्या नाम है, कंप्लीट वर्क, नेम ऑफ वर्क होगा आपके वर्क ऑर्डर पे मिला होगा तो वो लिखा जाएगा। उसके नीचे एग्रीमेंट नंबर होगा उस वर्क का और डेट के साथ में, एग्रीमेंट अमाउंट होगा और ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क। एग्रीमेंट अमाउंट वो होता है कि जो एग्रीमेंट पे लिखा जाता है कि कितने एग्रीमेंट का वर्क है या इतने में आपको करना है, लेकिन कोई ज़रूर नहीं कि एग्रीमेंट अमाउंट पर ही काम कंप्लीट हुआ हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो काम कंप्लीट होने के बाद कितना खर्चा हुआ है, कितने की रकम बन गई है अमाउंट की वर्क की, वो इसमें लिखेंगे। फिर स्टिपुलेटेड डेट ऑफ स्टार्ट, काम शुरू होने की क्या डेट है, जिस दिन से काम शुरू होना चाहिए वो एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि इतनी तारीख से आपको काम शुरू करना है, वो यहाँ लिख देंगे। स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन, किस डेट को काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ये आपके एग्रीमेंट कॉपी पर लिखा रहता है कि इतने दिनों में आपको पूरा करना है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस दिन को पूरा होना था उसी दिन को पूरा हो, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम भी, तो किस डेट को ये कंप्लीट हुआ है ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूड, इसमें डिटेल डालनी पड़ेगी, सिविल में कितना काम है, सिविल में क्या क्या काम किया हुआ है अपने वाटर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वाटर सप्लाई का है, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज है, वाटर प्रूफिंग वर्क है, दीवार की चुनाई जो की हुई है, प्लास्टर किया हुआ है, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, करना होगा। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क किया है, जैसे इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फायर फाइटिंग का, फायर अलार्म का, HVAC का, लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, DG सेट वगैरह वगैरह, कई चीज़ें होती है ना काम में, तो ये सब डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके नीचे नंबर ऑफ स्टोरी कंस्ट्रक्टेड, कितने स्टोरी की बिल्डिंग रही है, 4 मंजिल 5 मंजिल कितना, इसमें G+3 G+1 ऐसे करके, अगर बेसमेंट भी हो तो वो भी आप लिख देंगे। जी मतलब ग्राउंड फ्लोर, उसके +1 तो फर्स्ट फ्लोर तक बना हुआ है, ऐसे लिखा होता है। उसके नीचे कंपनसेशन लेवीड फॉर डिले, अगर आपका काम डिले हुआ है, तय समय से ज़्यादा टाइम लिया है आपने, तो क्या आपके ऊपर कोई कंपनसेशन लेवी की गई है, अगर हाँ तो इस पर आपको लिखना पड़ेगा कितने अमाउंट की कंपनसेशन आपसे लेवी की गई है। उसके बाद डिटेल ऑफ लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन, अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है इस प्रोजेक्ट के लेकर के, या आपने दायर किया हो या आप पर किया गया हो, तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद नीचे है डिटेल ऑफ ऑनर, किसका काम किया है आपने, CPWD, PWD, MES, रेलवे, सरकारी काम हो तो डिपार्टमेंट का नाम पूरी डिटेल, या प्राइवेट वर्क किया है तो उसका भी नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑफ ईमेल। उसके नीचे ये सर्टिफिकेट का, ये लिखा हुआ देसी टू सर्टिफाइड जो मैटर है सारा, ये उस पर टाइप होगा। नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर होंगे जो आपके यहाँ से अप्लाई करा उसके, और इधर ऑनर के सिग्नेचर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर या उसी के इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साइन होते हैं CPWD और PWD में, इस तरह से। ये कंप्लीट जो फॉर्मेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो उसमें इसी तरह की बातें पूरी डिटेल लिखी रहती है, हो सकता है एक दो चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये फॉर्मेट पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वैसा मिला हुआ तो वही लगा दीजिए, नहीं तो इसको भर दीजिए और वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है वो साथ में लगा दीजिए इसके, इस फॉर्मेट में भर करके अपने हाथ से, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस फॉर्म में भी मिला हो उसको लगा दीजिए। ऐसे ही यह है सेकेंड वर्क के लिए, ऐसे ही ये थर्ड वर्क के लिए, तीन के लिए दे रखा है, आपको चौथा पांचवा लगाना हो लगा सकते हैं, इसी फॉर्मेट में बना लीजिए, स्कैन करके लगा दीजिए। उसके बाद एनेक्सर है 3B, डिटेल ऑफ एलिजिबल ऑन गोइंग वर्क, उसमें भी सेम सारी चीज़ें यही लिखी होती है, बस डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं मांगेगा आपसे। ऑन गोइंग एलिजिबल वर्क में भी आपके जितने भी काम चल रहे हैं पूरी डिटेल आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, अलग अलग पेज पे। वही नेम ऑफ वर्क है, एग्रीमेंट नंबर, डेट, एग्रीमेंट अमाउंट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन, स्टिपुलेटेड डेट ऑफ स्टार्ट, स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन और टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन कि कब आपका काम पूरा होने वाला है, और प्रेजेंट प्रोग्रेस उसकी क्या है, डिटेल वही जो हमने ऊपर बताया है आपको, कंपनसेशन की बात, ये वो, ये सब कुछ। तो इस तरह से आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, इसमें आपको PDF फॉर्म में है, तो आपको अगर हाथ से लिखना हो, फॉर्म भरना हो, इसको हाथ से फिल करना है, तो ये लेकर के प्रिंट आउट लेकर के हाथ से भर दीजिए। अगर हाथ से नहीं भरना चाहते हैं, टाइप करना हो, तो वर्ड वाली कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए वर्ड फॉर्मेट में, इसको ओपन कर लीजिए,
तो ये ओपन हो जाएगा। आप इसमें टाइप कर लीजिए जैसा मैंने बताया है, उसमें हाथ से भरते इसमें टाइप कर लेते हैं, टाइप करके सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट लेकर के लगा दीजिए जहाँ पे अपलोड करना है। सब कुछ वही फॉर्मेट आपकी आसानी के लिए है। इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अवार्ड लेटर्स एंड फाइनल बिल ऑफ कंप्लीटेड या ऑनगोइंग वर्क्स इन एनेक्चर 3। अब एनेक्चर 3 और ए और बी में जो भी कामों का मेंशन हमने किया है वर्क का, वो उसके अवार्ड लेटर आपको मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट का काम किया हो या प्राइवेट का अवार्ड लेटर, और फाइनल विल की कॉपी पर सेल्फ अटेस्ट करके आपको अटैच करना है कंप्लीटेड में भी और ऑनगोइंग वर्क में भी। ऑनगोइंग में भी ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल का पैसा मिलता है, बिल आप जनरेट करते हैं, रनिंग अकाउंट बिल जिसको कहते हैं, तो फाइनल बिल की कॉपी और अवार्ड लेटर आपको लगाना है, जितना भी काम आपने थर्ड ए और थर्ड बी में मेंशन किया है सबका। उसके नीचे है बैंकर सर्टिफिकेट फ्रॉम शेड्यूल बैंक इन ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी है बैंकर सर्टिफिकेट की, या फिर नेटवर्क सर्टिफिकेट होती है जो सीए बना करके देते हैं आपको। इसके फॉर्मेट में देखते हैं कि नेटवर्क सर्टिफिकेट सीए बनाएगा या बैंक बनाएगी। और उसके साथ एक लगाना है आपको एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आपने जो भी काम किया हो उसका जो आपका एनुअल टर्नओवर है उसकी कॉपी लगानी है आपको 3 फाइनेंशियल ईयर का। ये क्लास 3, 4 और 5 वाले कैटेगरी, हर कैटेगरी के क्लास 3, 4 और 5 वालों को नहीं लगाना है। जो छोटे ठेकेदारी करना चाहते हैं, छोटे ठेकेदार बनना चाहते हैं, उनके लिए टर्नओवर का सर्टिफिकेट लगाना ऑप्शनल है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। आपका काम सिर्फ बैंकर सर्टिफिकेट से ही चल जाएगा या नेटवर्क सर्टिफिकेट से। लेकिन क्लास 3 से ऊपर जो सेकेंड वन या सुपर वगैरह में जाएंगे उनको लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट है, इसको मैं डाउनलोड करके पढ़ के बता देता हूँ। वर्ड में भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। एक होता है बैंकर सर्टिफिकेट, ये आपका बैंक जहाँ भी अकाउंट है आपकी फर्म का वो बना करके दे देंगे आपको। उस पर ये मैटर टाइप कर देना है कि इनका ये रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह, ये फॉर्मेट है, बैंक बनाते रहते हैं उनको सब पता होता है, बस लेके जाइए वो अपने लेटर हेड पे टाइप करके, या टाइप भी करवा लेंगे आप ही से, तो फॉर्मेट टाइप करके आप ले जाइए, वो अपना फिलअप कर देंगे, साइन करके दे देंगे, बैंकर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरा है सीए से आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल टर्नओवर, 3rd, 4th और 5th क्लास के लिए ये ऑप्शनल है, उनको ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर के लिए ज़रूरत है तो आपके सीए साहब इस फॉर्मेट पे साइन कर देंगे, और उनसे UDIN नंबर डलवाना नहीं भूलिएगा। वैसे वो बिना डाले देंगे भी नहीं आपको, आजकल कड़ाई ज़्यादा है तो वो खुद ही जनरेट कर लेंगे और आपको UDIN नंबर डाल देंगे। इस पर नीचे अपना साइन करेंगे और ICAI का अपना जो मेंबरशिप नंबर है वो डालेंगे, डेट सील डाल देंगे, वो बना देते हैं सीए आपके। तो ये टर्नओवर सर्टिफिकेट सीए साहब से लेना है आपको, बैंकर सर्टिफिकेट बैंक से लेना है, और नेटवर्क सर्टिफिकेट भी अगर आप बैंक से नहीं ले पाए बैंकर सर्टिफिकेट, अगर आपको लगा कि बैंक के चार्जेस ज़्यादा हैं, सीए साहब आपको सस्ते में कर देंगे या मुफ्त में जो भी है कर दें, तो आप सीए साहब से नेटवर्क सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो यहाँ पे वो आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए ये फॉर्मेट भर देंगे। लेकिन जहाँ भी सीए साहब साइन करें वहाँ पे यूडी नंबर और मेंबरशिप उनका ज़रूर होना चाहिए, डेट एंड सील के साथ नाम। और नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट शल नॉट बी ओल्डर देन 1 month ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। जब आप प्रोसेसिंग फी पे कर देते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए, फिर आप बनाएंगे, प्रोसेसिंग फ़ी पे करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ी दे रहे हैं, उसके 1 महीने के अंदर में ही बना हुआ ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज आप बना लेते हैं सारा कुछ सर्टिफिकेट, जो ही बन जाते हैं आपके वो 2-3 दिन के अंदर में आप भर ही दीजिए, ज़्यादा इंतज़ार ना कीजिए। तो 3 फॉर्मेट है PDF फाइल में, वर्ड में भी सेम मैटर होगा, बस आपको टाइप करने की सुविधा मिलेगी, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वर्ड को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, यही सब उन्होंने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए तभी आप
अप्लाई करने के लिए आगे बढ़े। कब? जब आपको चेंज ऑफ स्टेटस करना हो। ये तो था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नया एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो, स्टेटस चेंज करना हो, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है। या पढ़ सकते हैं, या जब हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लगभग वही सारे हैं। तो हम बैक हो जाते हैं। सब कुछ देख लिया आपने कि कैसे कहाँ पर है ये, और नीचे आ गए बैक होकर के। अब हमें एलिजिबिलिटी फॉर इनलिस्टमेंट पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट हमने देख लिए क्या क्या चाहिए हमें, अब हम जाते हैं एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, एक क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है आपकी। सबसे पहले आपको कैटेगरी देखना है कि बिल्डिंग कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, या हॉर्टिकल्चर में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिल्डिंग में है, आपको घर बनाना है, मतलब बिल्डिंग बनानी है, ईंट प्लास्टर अर्थ मतलब आपको मिट्टी की भराई, ये वो सब कुछ ऐसे मिट्टी भर करके और बिल्डिंग बनाने का जो भी पूरा होता है बिल्डिंग कैटेगरी में। हॉर्टिकल्चर में पता ही हो आपको बागवानी का है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल पुलिया रोड निर्माण का है। तो मैं बिल्डिंग का आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे क्लासेज हैं, इसमें चार ही है, इसमें भी बड़े सारे, इन दोनों में सेम है बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप क्लास कर लेते हैं। सबसे छोटी क्लास मैं ले रहा हूँ 5, ठीक है। 5 पे क्लिक किया, चेक एलिजिबिलिटी क्लिक कर दिया हमने। अब ये बताएंगे सॉरी बिल्डिंग क्लास के कैटेगरी के क्लास 5 में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट फी लगनी है कितनी, 3,000 रुपये लगेंगे। और टेंडरिंग लिमिट होगी 0.40 करोड़ की, मतलब 40 लाख तक के टेंडर आप ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, या मिल जाए तो पा सकते हैं। ऐसे ही क्लास 4 की लिमिट है, क्लास 3 की है। मैं लिमिट सबकी बता दूंगा, एलिजिबिलिटी चेक करना सिर्फ इसकी बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स आपके कितने हैं, ये आपको देखना है कि कितने हैं। एक है तो एक सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट बिल्डिंग वर्क का अमाउंट कितना है आपका। अगर दो है तो दो कर लीजिए, दो बिल्डिंग वर्क आ जाएगा। और अगर तीन काम किए हुए हैं तो तीन कर दीजिए, फर्स्ट बिल्डिंग वर्क, सेकेंड बिल्डिंग वर्क और थर्ड बिल्डिंग वर्क, ये मैंने ले लिया है। ऑन गोइंग बिल्डिंग वर्क, आपका बिल्डिंग वर्क अभी जो काम चल रहा है उसकी वैल्यू कितने अमाउंट की है वो इसमें डाल दीजिए। उसके बाद बैंकर सर्टिफिकेट कितने का है वो इसमें डाल दीजिए, नेटवर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दीजिए, और एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। ये चीज़ें अपनी च्वाइस से आपकी नहीं बननी है कि हमको क्लास 5 में कराना है तो बैंकर सर्टिफिकेट इतने की बना लेते हैं, या 4 में करना है तो इतने की बना लेते हैं। आपका बैंक जितना अलाउ करेगा उतने का ही बैंकर सर्टिफिकेट मैक्सिमम बना सकते हैं वो, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा। ऐसे ही नेटवर्क सर्टिफिकेट आपका क्या है ये फिक्स रहेगी, सीए साहब डिसाइड करेंगे, आपके हिसाब से नहीं होगा, और वही वैल्यू डलेगी तब आपकी क्लास डिसाइड होगी। तो और एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट इसमें, लेकिन चूंकि हम क्लास 5 में अभी चेक कर रहे हैं तो इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, न बैंकर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्लास 5 वाले को, और न ही नेटवर्थ की, न ही एनुअल टर्नओवर की। हाँ, जो इंजीनियर है, ग्रेजुएट इंजीनियर, कई बार मेरे पास क्वेरी आती है कि सर हम ग्रेजुएट इंजीनियर है, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी एक्स्ट्रा। तो जो इंजीनियर साहब है उनको ना तो बैंकर सर्टिफिकेट लगाना है, ना ही नेटवर्थ लगाना है, ना ही एनुअल टर्नओवर। मतलब अगर इंजीनियर साहब के पास कोई पहले का एक्सपीरियंस बस हो, टर्नओवर नेटवर्थ इसकी ज़रूरत नहीं है। 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल का रिटायर्ड जो ऑफिसर है इनके लिए भी ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को, उनको भी रियायत दी जाती है डिप्लोमा होल्डर, और जो रिटायर्ड ऑफिसर है, इंजीनियर है, और चाहे हॉर्टिकल्चर के हो, बिल्डिंग के हो, किसी के भी हो,
उनको भी जरूरी नहीं है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा किन किन को रियायत है। कृषि विज्ञानी जो होते हैं, कृषि विज्ञान जिन्होंने पढ़ा होता है, उनको हॉर्टिकल्चर में आराम मिलता है, रियायत मिलती है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनेंशियल साउंडनेस में चाहिए नहीं आपको, फर्स्ट बिल्डिंग वर्क आप डाल दीजिए। जैसे पहला बिल्डिंग वर्क आपका 40 का ट्रिलियन लिमिट है ना आपका, तो ये करोड़ में पूछ रहा है आपसे, तो मैं इसमें 0-20 करोड़ मतलब 20 लाख की डाल देता हूँ अगर आपकी है तो। कह रहे हो भाई आप एलिजिबल हो, 3 काम अगर आपके 20 लाख के हैं, तीनों तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक ही काम है जी, हमारे पास तो 3 नहीं है जी, तो भी 20 लाख का आपने एक काम किया है तो क्लास 5 में आप एलिजिबल हो। अब 10 लाख करते हैं, जो भाई 10 लाख किया ही काम है उसका क्या करें, तो ये है 10 लाख वाले एलिजिबल नहीं हो, एक काम 24 का ये कह रहे हैं कि होना है आपको, अगर एक काम है तो 24 कर दिया जी, अब एलिजिबल हो गए। इसको मैं 20 करके बाहर आ गए, तो नहीं हो सिंगल काम, तो सिंगल आपका काम 24 लाख का होना चाहिए, अगर आपने एक ही काम किया है तो 24 लाख का तो कम से कम काम होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 24 लाख का काम नहीं है एक भी, तो क्या करें, और एक से ज़्यादा काम आपने किया है तो देखते हैं, तो 2 काम अगर आपने किया है, और अगर आपने 10 लाख का एक काम किया है, पहला काम चलो 15 लाख का किया है और दूसरा किया है 10 लाख का, तो क्या कहते हैं ये, तो कहते हैं कि नहीं 12 लाख के काम होने चाहिए 2 मिनिमम, एक 15 का है चलेगा, दूसरा 12 से ऊपर का होना चाहिए, 12 हो फट से आपको कह देंगे कि एलिजिबल हो आप 2 ही काम में। लेकिन न 12 है न 15 है, 12 से भी कम है आपका, तो क्या करें, 3-4-5 काम आपने कर रखे हैं लेकिन सब 10 से कम का ही है, तो देखते हैं 3 काम में सेलेक्ट करते हैं। 3 काम अगर है, एक 15 का, एक 12 का, एक 20 का, तो एलिजिबल हो, तो 20, 15, 12 तो 2 में भी एलिजिबल हो, तो इसको हम कर देते हैं 10 एलिजिबल हो, दूसरा काम भी 10 का है एलिजिबल हो, तीसरा हम कहते हैं कि 9 का ही है जी, पहला काम तो हमारा 9 का ही था, फिर भी आप एलिजिबल है, तो इस केस में हमने देख लिया 7 कर देते हैं, सिक्स पे भी है, ये 0.6 करोड़ का भी है, तो 0.5 में भी एलिजिबल है, क्या लिखा है, 0.08 करोड़ का होना जरूरी है 3 काम, 0.08 करोड़ का मिनिमम एलिजिबिलिटी, यही मैं देखना चाह रहा था,
तो अगर 0.08 करोड़ का है आपका, 0.10 करोड़, मतलब ये हो जाएगा आपका 10 लाख का। तो अगर आपका ये 0.08 करोड़ काम है 8 लाख का तो भी चलेगा। तो अगर 10 लाख का 8 लाख का है तो 8 लाख के 3 काम हो तो चलेगा, 12 लाख के 2 काम हो तो चलेगा, और 15 लाख का 1 काम हो तो आपका चल जाएगा इस क्लास के लिए, क्लास 5 के लिए। ऐसे ही आप बैक जा कर के दूसरे क्लास के लिए एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है बिल्डिंग, हॉर्टिकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस बार मैं हॉर्टिकल्चर कर लेता हूँ। यहाँ से आप क्लास लीजिए, क्लास 1 ले लीजिए, एलिजिबिलिटी कर दीजिए। यहाँ पे कर लीजिए कितने कंप्लीटेड है, 3 कर लीजिए, इसमें वैल्यू डाल लीजिए और आगे फाइनेंस। अब इस केस में जब क्लास 1 करेंगे तो बैंक का सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, नेटवर्क सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक डालिए, और टर्नओवर डालना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको लाख करोड़ में वैल्यू डालनी है। अगर 10 लाख है, 100 लाख है तो 1 करोड़ हो गया, अगर 10 लाख है तो 0.1 करोड़ होगा। ये ध्यान रख कर के आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।